दो सबसे बड़ी गलतियां जिनकी वजह से लोग हारमोनियम पर गाना नहीं निकाल पाते। जी हाँ दोस्तों, दो सबसे बड़ी ऐसी गलतियां होती हैं जिनको लोग अक्सर करते हैं और उन गलतियों की वजह से लोग हारमोनियम पर गाना नहीं निकाल पाते। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो हारमोनियम पर गाना नहीं निकाल पाते। तो दोस्तों, कौन सी वो दो गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी हैं, तब जाकर के आप हर एक गाना अपने हारमोनियम पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल AMK संगीत। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहली गलती की। दोस्तों, सबसे पहली गलती लोग करते हैं कि दिमाग में गाने को याद किए बिना गाना निकालने की कोशिश करना। जी हाँ दोस्तों, जो भी गाना हम निकालना चाहते हैं, कोई सा भी गाना हो सकता है, उसको यदि हम दिमाग के अंदर याद नहीं करेंगे, उसके गाने के जो बोल होते हैं उनको दिमाग में नहीं बैठाएंगे, तो दोस्तों हम गाना कैसे निकाल पाएंगे। जब भी हम गाना निकालने की कोशिश करेंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दिमाग में याद नहीं किए हैं। दोस्तों, दूसरी गलती की भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन पहले इस पहली गलती के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपको एक गाना निकाल कर दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ, और डिटेल्स में आपको समझाता हूँ कि आपको वो गलतियाँ कैसे नहीं करनी है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर गाना रखा है दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। तो मैं आपको पहली काली से बताना चाहता हूँ, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये बटन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ से देखिएगा, अब दोस्तों इस गाने को हमने इस पहले बटन से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने प्ले करके दिखाया। वैसे तो दोस्तों ये गाना है राग शिवरंजनी का, जिसके अंदर 5 बटन यूज़ किए जाते हैं, सारे गा पा धा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट की डिटेल्स बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिएगा कि ये गाना तो राग शिवरंजनी का है, लेकिन कोई और गाना किसी और राग में भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, आप समझिएगा। तो मान लीजिएगा कि हमने गाना सुना और हमने गाने के बोल अपने दिमाग में याद कर लिए। अब जब हम उसके बाद में हारमोनियम पर गाना निकालेंगे तो गाने का बोल गलत नहीं होगा, गलत होगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमने दिमाग में गाने को सुन रखा है और याद कर रखा है। तो दोस्तों, पहली गलती हमने आपको बताई कि आपको गाना सुनने के बगैर, आपको दिमाग में याद करने के बगैर आपको गाना निकालने का कोशिश नहीं करना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरी गलती की, सेकंड नंबर की गलती। तो सेकंड नंबर की जो गलती है उसको लोग करते हैं गलत स्वरों को अभ्यास में लेना, यानी गलत स्वरों को अभ्यास में यूज़ में लेते हैं तो गाने के बोल ख़राब हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, देखिएगा। तो गलत स्वर कैसे समझेंगे, जैसे पहला बोल हमने आपको यहाँ से निकालना बताया, अब जब दूसरा इसका अगला बोल आएगा, ठीक है ना, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, तो यहाँ पर आप गलत कर देंगे, यदि गलत स्वर यूज़ कर देंगे तो गाने के जो बोल हैं ख़राब हो जाएंगे। जो इसका अगला बोल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला बोल यहाँ से हुआ लेकिन अगला यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ से आप यदि गलत बटन यूज़ करते हैं तो गाना ख़राब होगा, और सही बटन यूज़ करते हैं तो गाना सही बैठेगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल, अभी हमने गलत बटन यूज़ कर दिए अंदाज से, यानी अंधाधुंध कोई भी बटन हम नहीं दाब सकते, प्रेस नहीं कर सकते, सही बटन प्रेस करेंगे जब ही बोल हमारा सही बैठेगा। तो देखिएगा सही बोल किस तरह से बैठाएंगे, मैंने रंगा बसंती हो, यानी गाने के साथ साथ में गाने को प्ले कीजिए और सही बटन को, सही स्वर को ढूंढिए, गलत बटन को यूज़ मत कीजिए,
ये होती है दूसरी गलती। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई सा भी गाना निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये दो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाया है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल वाले सेक्शन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिले सबसे पहले और आप देख सकें। दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम एंड अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियोस कौन कौन देखते हैं और कहां कहां से देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।